हाय फ्रेंड्स, स्वीपी कतरका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्वारफली की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो फिर चलिए ग्वारफली की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम ग्वारफली। अब हम इसके दोनों किनारों को इस तरीके से तोड़ देंगे और इसके साइड के रेशे को हटा देंगे। इसके किनारे के रेशे को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही टाइट होता है। और हम इसके दो पीस कर लेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको तोड़कर तैयार कर लिया है और इनको दो से तीन बार पानी में अच्छे से धुल लेंगे। अब हम एक पैन में पानी लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तो पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ग्वारफली को डालेंगे और चम्मच की सहायता से इनको इस तरीके से चला देंगे। अब हम ग्वारफली को बॉयल होने देंगे और जब ग्वारफली में एक उबाल आ जाए तो हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और उसको धीमी आंच पर पकाएंगे। और जब ग्वारफली हमारी सॉफ्ट हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ग्वारफली हमारी अच्छे से बॉयल होने लगी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ग्वारफली हमारी पक गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और स्ट्रेनर की सहायता से इसके पानी को निकाल देंगे। अब हम एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज किया है। इसमें बनाने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को हल्का भून लेंगे। तो जीरा हमारा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और साथ में डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पर भून लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इनको धीमी आंच पर भूनेंगे, हमें इनको लगातार चलाते रहना है। लहसुन और अदरक अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, और इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में जल जाएगा। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे और मसालों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मसालों को लगातार चलाते हुए हम धीमी आँच पर भूनेंगे। मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए, मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इनको भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और ये मसालों में अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल की हुई ग्वारफली और इनको भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ग्वारफली और मसाले हमारे अच्छे से मिल जाएं और मसालों की ग्वारफली पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। अगर ग्वारफली आपकी थोड़ी सी टाइट रह गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मसाले और ग्वारफली आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम पैन के ढक्कन को बंद कर देंगे और उसको 2 से 3 मिनट पर धीमी आँच पर पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन के ढक्कन को खोलेंगे और एक बार सब्जी को अच्छे से चला लेंगे और फिर पैन के ढक्कन को बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम फिर पैन के ढक्कन को खोलेंगे और फिर से सब्जी को एक बार चलाएंगे। तो ये देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है और ये देखने में बहुत यम्मी लग रही है। तो एक बार आप ग्वारफली की सब्जी को इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखें। तो अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूपी का तड़का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।